ठीक है दे दीजिए। हाँ दीदी ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा जिन तीन को मिल गया वो पीछे आपको बड़ा चलो कोई साइज को एडजस्ट करना बड़ा ही नहीं है मतलब उतने ही उसको तकलीफ कर देंगे एकदम साइज का नहीं मिल पाएगा। ये लो इसको दे दो निकालने के लिए ये सबको पकड़ाते दो सारे बच्चे पीछे बैठो सबको नहीं इतनी खड़ी रहा है ये बोले ना ये खड़ी ये जींस इसको अभी निकल दे ये लो ये सब बच्चे में बदल गया आगे पीछे बाबू भैयो इधर बैठे ना इधर छोटे इधर ही बना रहे हैं ये है ना बच्चे ये भैयो ये देख ले हां सही है आराम से भैया एक टी शर्ट इसको दे दो एक शर्ट ये भी आ जाएगा इसको की वाली शर्ट नहीं आई है ना ये इसके नाप के बच गए इसको ये बड़े वाले क्या हुआ तबियत ठीक है अम्मी भी लग रहा था इसको दे रहे हैं इसको इसको टी शर्ट दे रहे हैं टी शर्ट में हमारे नीला वाला क्यों नहीं ये बड़े बड़े ये लो बेटियों बना
बड़े वाले कौन से? बड़े वाले कौन से? अच्छा लगल वीडियो लाइव चल रहा है। अरे लाइव चल रहा है का? चीज कर रहा लाइव चला रहा है। छोटी बच्ची है किसी की और छोटी बच्ची है बाहर से सबको डर लगा तुम यहाँ फिर जाओगे भैया खरीदने फिर जाओगे बोलो ये गाउन किसी को चाहिए मैं को दे बड़ा है गाउन किसी को चाहिए ऐसे भी बैठे रहते हैं मैं काट के आपको दूँ कोई सिलेगा कोई बटन लगाएगा इस प्रकार सबको काम मिल जाएगा दो तीन मशीन रहते ना तीन सिलने वाली है यहाँ पर अपनी आप लोगों के सबके ब्लाउज और जितनी लड़कियाँ हैं आपके वहाँ जो भी होंगे सबके कपड़े बनेंगे ना ठीक है तो कल अपन ये काम करते हैं आप जब तक भी यहाँ पर आते एक मुझे बताइए आप लोगों में सिलाई किसको आती है सिलाई किसको आती है दो मिनट आप यहाँ आएंगी ये ब्लाउज किसको आएगा नहीं मतलब यहाँ बांटने के लिए जितने भी सूट लगेंगे जितने सबके ब्लाउज हैं मेरे पास सिलने का दो काम मशीन करके मैं दे दूंगी अगर आप बोलोगे तो आपको मशीन की व्यवस्था कर दूंगी अगर आप भी आपका जो पैसा होगा आपसे बात हाँ देखिए जिसको कुर्ती चाहिए कुर्ती
और सबके ब्लाउज नाप एक बनाना सिटी को अपने आप करना है ना। प्राय प्राय 36 नाप के ब्लाउज होते हैं, अधिकतर जितनी भी बैठी है सभी का नाप 36 और 34, कोई दो चार है जिनका 38 है ना। तो आप में से किसी को सिलना है क्या? कोई नहीं सिलना। अगर आप लोग बनाते हो तो आपको मशीन की व्यवस्था करवा देंगे, कटिंग करके मैं दूंगी है ना, धागे की रील दूंगी, आप लोग सिल करके है ना काम मेरे पास रख। और ये सलवार है ये मेरे पास तैयार है, कुर्ती बनेगी तो कुर्ती के नीचे ये सलवार अपन लगा तो कैसा भी अगर आप लोगों को लगे आप बता देना, आपकी व्यवस्था हो जाएगी ठीक है। कल मुझे बता दीजिए अपने पास क्या है। ये आज हरदा में घंटाघर के सामने गांधी प्रतिमा के सामने ब्लास्ट पीड़ितों के द्वारा जो यहां भूख हड़ताल की जा रही है, इस जगह पर हरदा की समाज से भी श्रीमती उषा गोयल के साथ में उनकी पूरी टीम है यहां पर। आज इन्होंने यहां पर छोटे बच्चों को कपड़े, महिलाओं को साड़ियां और नाश्ते का भी वितरण किया है। जी बताएं। जी मेरा नाम उषा गोयल है। आज जो ब्लास्ट फटाका ब्लास्ट हुआ है बहुत दुखद घटना है, और आज कौन सा दिन है? आज दसवां दिन है, भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पीड़ित लोग काफ़ी हैं जिनके द्वारा जिनको कि सही में आज उनका आशियाना लूट गया। आज बूंद बूंद से घट भरता है, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी, आज उनका सब कुछ खत्म हो गया, उनका सफ़र ख़त्म हो गया। तो आज वो नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करेंगे। प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है लेकिन उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, उनके द्वारा उनको जगह दी जाए, उनकी मांगें पूरी की जाए। ऐसे में ये लोग भूखे बैठे हुए हैं, तो हम लोग ये ऊपर वाले की प्रेरणा है कि इन लोगों को भोजन, इन लोगों को नाश्ता, इन लोगों के पास कपड़े की कमी है, जैसे कि ये एक ही ड्रेस पर निकले थे तो आज इनके लिए जीवन काटना कितना मुश्किल। लोगों ने, हरदा की जनता बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, सारे समाज सामने आए, सब लोगों ने बहुत सेवा करी और सभी लोगों ने सब जरूरत की चीज़ें दी। लेकिन अभी भूख हड़ताल पर जो बैठे हैं और जो पीड़ित बैठे हैं उन लोगों को सुबह भोजन भी चाहिए, दोपहर में नाश्ता चाहिए, सुबह नाश्ता चाहिए। तो हम लोग आज तो हम लोग हमारे परिवार की तरफ से, कल मेरी बहन की तरफ से इस प्रकार से हम लोगों ने किया है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी समितियां हैं उनको आगे लाएं और रोज़ एक एक दिन का नाश्ता, एक एक टाइम का नाश्ता, एक एक टाइम का भोजन दिलवाया जाए, ताकि उन लोगों का समय भी, उनको नाश्ता भी मिल जाए, उनके बच्चों का टिफिन भी मिल जाए और उन लोगों को कपड़े भी। आज हमारे मन में एक पहल आई है कि जो महिलाओं के पास कपड़े एक एक दो दो जोड़ गए हैं उनके लिए हम कपड़े देकर थाने, जिसके द्वारा ब्लाउज की कटिंग की जाए और कुर्ते की कटिंग करके मैं दूंगी। यहाँ मैंने 3 महिलाओं को तैयार की है, कल से यहाँ 3 मशीन रखी जाएंगी और उनको कटिंग करके देंगे, कपड़ा देंगे, रील देंगे, हुक बटन के लिए उनको सारी व्यवस्थाएँ देंगे। 3 महिलाएं ब्लाउज सिलेंगी, कुर्ती सिलेंगी और बाकी की महिलाएं उसमें हुक बटन और तुरपाई करेंगी। इस प्रकार जिनके पास कपड़े नहीं है उन लोगों को कपड़े से भी, सभी को दो 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 ब्लाउज, दो दो कुर्तियाँ हो जाएंगी, तो बच्चों के पास, महिलाओं के पास कपड़ों की भी कमी दूर होगी। और हमारा यही कहना है कि मैं यही अपील सभी से करती हूँ कि भूख हड़ताल में बैठे पीड़ितों के लिए हमारे भाई और बहनें बैठी हैं, हमारी अवनी वंशल जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी को देखते हुए आज उनको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है, सभी की समस्याओं के लिए खड़े हैं। और मैं सभी से अपील करूंगी कि सभी संघ जितनी समितियां हैं वो आगे आएँ, कभी कोई सुबह का नाश्ता दे, कोई शाम का नाश्ता दे, कोई भोजन की व्यवस्था है। देखिए बर्तन सामान तो बहुत हो गया है, लेकिन बर्तन सामान का रखेंगे कहाँ? जब तक इनको इनका खिया नहीं मिलेगा, इनका आशियाना नहीं बनेगा तो ये रहेंगे कहाँ? इनका एक थैली के अंदर इनका परिवार सिमट कर रहेगा। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से कि इन लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए और
जिसको भी देना है, जब इनकी थोड़ी सी व्यवस्था हो जाएगी तब उनको सामान दिया जाए ताकि वो उनको व्यवस्थित रहे, और सभी लोग इनकी मदद करें जैसे सभी कर ही रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी और हम तत्पर तैयार हैं दिन से लेके रात तक, जब भी आप लोगों को ज़रूरत है। और आज मेरा पूरा परिवार, मेरे बेटे बहू, मेरी बेटियाँ, मेरे पोते आज इस काम के लिए बिल्कुल तत्पर हैं।